और अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तैयार की जाने लगी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट ने पीएमओ को तारीखें भेजी हैं। डेट फाइनल होते ही शुभ मुहूर्त में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ये पूरा कार्यक्रम गैर राजनीतिक होगा। जाहिर है अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जोरों पर चल रहा है। मंदिर का पहला तल तैयार हो गया है और श्रद्धालुओं को दर्शन का सिर्फ इंतजार है। जनवरी से श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर पाएंगे। जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। मंदिर के स्तंभों पर देवी देवताओं की 6000 से ज्यादा मूर्तियां उकेरी जा रही हैं। अभी ग्राउंड फ्लोर के स्तंभों पर मूर्ति उकेरने का काम तेजी से चल रहा है। आपके सामने 6 तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे राम मंदिर के साथ भव्य अयोध्या का सपना साकार हो रहा है। देखिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा किसी उत्सव से कम नहीं होगी, जिसके लिए भव्य तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। आइए आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे सज रहा है ये कार्यक्रम। बताया गया है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा जो है 21 से 23 जनवरी के बीच में होगी और ये 3 दिन अच्छा मुहूर्त होने की बात कही जा रही है, तभी इन 3 दिनों में से किसी एक तारीख पर फाइनल मुहर लग सकती है। बिल्कुल गीतिका, देखिए इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और इस खत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 15 से 24 जनवरी के बीच समय देने की मांग की गई है। बिल्कुल वैभव, अब प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूरी मिलेगी और उसी के बाद जो है वो प्राण प्रतिष्ठा की तारीख घोषित की जाएगी। मगर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। और देखिए, प्राण प्रतिष्ठा का सीधा प्रसारण जो है गांव-गांव और शहर-शहर तक होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें इस कार्यक्रम में देश भर से करीब 5 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया गया है। तो ऐसे में श्रद्धालुओं के रहने और खाने पीने की जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी गई हैं। वहां भक्तों के इलाज के लिए वहां आयुर्वेदिक डॉक्टर तक मौजूद रहेंगे।